में चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा जल्दी आप देखेंगे, जल्दी क्या आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज ने फाइनली अनुपमा को प्रपोज किया। दरअसल शादी करने के लिए प्रपोज किया। यहाँ दोनों बैठ के कुछ सब्जियां काटने होंगे और वहां वो जो हरे पत्ते का हरा पत्ता होता है, हरे प्याज वाले जो लंबे पत्ते होते हैं जिसे सग्गा प्याज कहते हैं, उस प्याज के पत्तों से वो रिंग बनाएगा और अनुपमा को देगा और प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज और अनुपमा की जल्दी शादी होगी। एक बहुत स्वीट सा प्यारा सा छोटा सा कार्ड भी छपेगा यहाँ पे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की पाखी जो है, पाखी का एक्स्ट्रा में पाखी का अफेयर चल रहा है, ये बात दादी पकड़ लेती है और अनुपमा को ये बात समझ में आ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। पाखी स्टडी के बहाने ये सबको घर में दिखाती है कि वो पढ़ाई कर रही है लेकिन वो किसी लड़के से बात कर रही है। खबरें ये थी बीच में कई सारे वेब पोर्टल पर ये खबर आई थी कि वो जो लड़का है पाखी का, जो बॉयफ्रेंड है, वो कोई और नहीं, वो मालविका का एक्स हस्बैंड है। जी हाँ, ये ट्विस्ट हो सकता है, मालविका का एक्स हस्बैंड पाखी का बॉयफ्रेंड है। अब देखना यह कि वो पाखी का बॉयफ्रेंड जब सामने आएगा मालविका देखेगी तो इस घर का बड़ा ट्विस्ट क्या होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है आज ये है, वो ये है कि वनराज, जब से अनुज ने अपनी कंपनी छोड़ दी है, सब कुछ मालविका के नाम कर दिया है, घर, कंपनी, पेपर, शेयर, सब कुछ, तब से अब वनराज को कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन है कि अनुज वापस ना आ जाए, मालविका का दिमाग फिर से अपने भाई के लिए, इसके अंदर प्रेम ना उमड़ जाए। ऐसे में वो यहाँ पे अपने बड़े बेटे पारितोष को कहता है कि छोटे बड़े जितने पेपर है सब में ये बात फैला दो, इस कंपनी से जो अभी वनराज और मालविका देख रहे हैं, उस कंपनी से अनुज का कोई रिश्ता नहीं है। वो चाहता है, जानबूझ के ये सब कर रहा है वनराज, ताकि बाद में भी अगर मालविका अनुज को वापस लेना चाहे तो अनुज वापस ना आए, ताकि उसकी जो इनसिक्योरिटी है फ्यूचर की अपने जॉब और करियर को लेके, वो यहीं का यहीं खत्म हो जाए। यानी वनराज खेल रहा है बहुत बड़ी चाल। इस चीज से, इस चाल से अनुपमा भी अनजान है और अनुज भी। अब देखना यह है कि ये सारा सच अनुपमा के सामने कब आता है। उस न्यूज़पेपर में जो एड छपेगा, जो ये खबर छपेगी, ये देखकर अनुज और अनुपमा कैसे रिएक्ट करते हैं, मालविका कैसे रिएक्ट करती है, और दूसरा अनुपमा और अनुज की शादी का एक स्वीट सा कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, तो इंतजार कीजिए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अनुपमा का जो बर्थडे आ रहा है उसी के आसपास होगी अनुज और अनुपमा की शादी।